तुम्हारी औकात है तो आओ कैमरे के सामने खड़े होकर दिखाओ, फटके हाथ में चार हो जाएगी। Hey guys, कैसे आप सब, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो गाइस, पब्लिक की डिमांड आ रही थी कि लास्ट वीडियो मैंने किसी दूसरे को ले लिया था, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि हमारा पुराना कैंडिडेट कहाँ है। तो आ गए ये, एक्चुअली उस दिन इनका थोड़ा सा पेट खराब हो गया था, इसकी वजह से ये वीडियो बना नहीं पाए। तो मतलब ये तो पटेगा भाई, पेट खराब हो गया। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ज़्यादातर लोग मेनली इसी चीज़ पे फोकस रखते हैं, आपकी छाती, चौड़ी छाती, चेस्ट के ऊपर वर्कआउट बनाएंगे आज का अपना हम। बेसिक बिगिनर्स के लिए मैं 4 से 5 एक्सरसाइज बताऊंगा जो बिगिनर लोग कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है वो। मैंने भी अपने जब बिगिनर टाइम में, जब मैं स्टार्टिंग मैंने वर्कआउट शुरू करा था तब भी मैं करता था, और अभी मैं बिगिनर्स को ये एक्सरसाइज, ये शेड्यूल फॉलो करवा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। डाइट अगर आप अच्छी फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे, नहीं करेंगे तो लोहा घिसते रहो भाई, फीस देते रहो जिम की, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए गाइस, डाइट मेन होती है आपकी, डाइट 90% नहीं, डाइट मैं 100% बोलूँगा, वर्कआउट तो अपनी जगह है ही, बट अगर आप 100% वर्कआउट देंगे, 100% डाइट देंगे, तभी आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और तभी आप ऐसी बॉडी बनाएंगे, नाम है सिद्धि वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। गाइस, जो हमारी पहली एक्सरसाइज रहेगी वो एक वार्म अप सेट रहेगा पुशअप्स का। बहुत सारे लोग इसमें करते क्या हैं, पैर ऊपर रख लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं भाई, बिगनर हो तुम, नॉर्मल पुशअप ऐसे ही मारते रहोगे, अगर सही तरीके से मारोगे तो बहुत अच्छा पंप आएगा। पैर ऊपर रखने से 90 डिग्री का वो एंगल बनाने से कुछ ऐसा नहीं होता है कि जल्दी तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, नॉर्मल पुशअप मारो। आप देखिए किस तरीके से इसको करना है, सामने की तरफ हमेशा जब भी पुशअप मारिए आप सामने की तरफ आपको फेस करना है, फुल मूवमेंट रहेगा, हाफ नहीं लेना है, पूरा फुल नीचे फुल ऊपर। इसके आप 3 से 4 सेट वार्म अप सेट ले सकते हैं, स्टार्टिंग में बहुत बेस्ट एक्सरसाइज होती है। तो गाइस, हमारी पहली एक्सरसाइज जो रहेगी वो हमारा वार्म अप सेट था। जो हमारी पहली एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी आपकी पेग डेक मशीन में। मोस्टली ये मशीन लगभग सब जिम में ही होती है, किसी में पुराने एंगल वाली होती है, ये थोड़ी नए तरीके की पेग डेक है, तो आप इसको ही मार सकते हैं, ना हो तो आप जो नॉर्मल पुरानी वाली होती है जिमों में वो भी मार सकते हैं। बेसिक इसके भी हमें 3 से 4 सेट लेने हैं, 12 से 15 रैप के बीच में, पूरा स्क्वीज करना है, पूरा स्ट्रेच करना है, आगे ले जाके पूरा स्क्वीज करेंगे हम मसल्स को और पूरा स्ट्रेच करेंगे, तभी बहुत अच्छा प्रेस आएगा। ये आपके अपर चेस्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तो गाइस, हमारी दूसरी एक्सरसाइज रहेगी बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, बेंच प्रेस। जैसा कि लोग जानते हैं बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है ये, कंपाउंड मूवमेंट है, चेस्ट के साथ आपके फोर आर्म्स और बहुत सारे बॉडी पार्ट में इसका असर रहता है, तो आप इसको ज़रूर अपने एक्सरसाइज में ऐड करिए। इसके भी आप 3 से 4 सेट परफॉर्म कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ग्रिप आपको शोल्डर से थोड़ा वाइड लेनी है, गाइज हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी डंबल फ्लाई। ये मैं इंक्लाइन बेंच में बच्चों से बोलता हूँ, बिगिनर से बोलता हूँ परफॉर्म करें, क्योंकि हमें अपर चेस्ट का भी ध्यान देना है, ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी आगे जाके अच्छी ग्रोथ होती है उसकी। इंक्लाइन में आप इसको कर सकते हैं डंबल फ्लाई, फुल मूवमेंट लेना है, इसमें भी हाफ का कोई चक्कर नहीं है, पूरा फुल स्क्वीज फुल स्ट्रेच, 3 से 4 सेट इसके आप कर सकते हैं 12 से 15 रैप के बीच में, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर अपर चेस्ट। तो गाइज, हमारी फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी डिक्लाइन बेंच प्रेस, क्योंकि जैसा मैंने बोला हमें अपना ओवरऑल चेस्ट अच्छा करना है, ये नहीं केवल एक ही पार्ट को हम अच्छे से ट्रेन करें, हमारे चेस्ट में सारी मसल्स को, अपर मिडिल लोअर सबको ट्रेन करना है, तो डिक्लाइन वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर लोअर चेस्ट। इसके भी आप 3 से 4 सेट कर सकते हैं, देखिए परफॉर्म कैसे करना है। इसमें भी ग्रिप आप शोल्डर से थोड़ा सा वाइड लेंगे, ना ज़्यादा पास ना ज़्यादा दूर, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत दूर पकड़ते हैं, गलत मूवमेंट है, इंजरी हो जाएगी आप लोगों को। सेम इसके भी 3 सेट 12 से 15 रैप के, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप वेट बढ़ाएं, ये नहीं कि पहले ही बहुत वेट लगा लिया, बहुत कम वेट कर लिया, बहुत ही आराम से करना है। ओके, तो गाइस हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी पुल ओवर।
मैं डंबल से बिगिनर्स को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि डंबल से करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉपर फुल मूवमेंट नहीं आ पाता है। आप केबल से कर सकते हैं, आप जब धीरे धीरे एडवांस लेवल में पहुंच जाएंगे तो आप डंबल से कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप केबल से करिए। देखिए आप किसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, सेम इसके भी 3 से 4 सेट आपको करने हैं। फुल स्ट्रेच, फुल स्क्वीज, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर चेस्ट, बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपके लेग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बट वो एक सेकेंडरी है। आपका मेनली जो होता है वो चेस्ट के पेक्स मसल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इसमें। गाइस काफ़ी है आज की 5 एक्सरसाइजेस बिगनर्स के लिए, बहुत ही मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज बताई है मैंने, जो बिगनर अगर आप हैं जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो आप इसको आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। आप अकेले भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो और अच्छी बात है, आपको एक पुश करने के लिए कोई मिल जाएगा। आप इस शेड्यूल को एटलीस्ट कम से कम 3 महीने तक 12 वीक तक फॉलो करें, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं 4 दिन 5 दिन करते हैं, अपनी जिम में भी आते हैं और बस वो कहते हैं हमारा शेड्यूल चेंज करवा दो। भाई नहीं, एटलीस्ट कोई भी शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो उसको 3 महीने तक उसको फॉलो करिए, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डाइट फॉलो करिए और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ भाई, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि लड़का हमारा बोलता नहीं वीडियो में, भाई क्या बोले, कोई वाइंस बना रहे हैं हम लोग, नॉलेज वाली वीडियो दे रहे हैं, इसमें क्या बोले। ठीक है, तुम्हारी औकात है तो आओ कैमरे के सामने खड़े होकर दिखाओ, बट के हाथ में 4 हो जाएगी तुम्हारी। मैं इस तरीके के वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, बट उन लोगों के लिए है जो फालतू के कमेंट्स करते हैं उनके लिए है। औकात है तुम्हारी, कैमरे के बाहर आओ, कैमरे को फेस करो आगे। तो किसी का एटलीस्ट मजाक मत बनाइए आप लोग, अगर कोई नई चीज़ सीख रहा है, ट्राई कर रहा है तो उसको आप मोटिवेट करिए, डीमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम वैसे भी घंटा डीमोटिवेट नहीं होते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, अपना हम खा पी के चौड़ हो के मस्त है। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, खूब सारा प्यार दीजिए, ऐसी मज़ेदार वीडियो आती रहेंगी और हमारा चैनल ऐसे ग्रो होता रहेगा फिर। ठीक है, मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ भाई, हाँ, कैमरे के पीछे जो है बंदा वो हमारा फोर आर्म्स वाला ही है, अब वो आज थोड़ी उसकी ड्रेस ख़राब सी है इसलिए वो उसको हम वीडियो में ले नहीं रहे हैं, हमारे चैनल की थोड़ी वो ख़राब हो जाएगी रेपुटेशन, तो अगली बार उसको भी ले लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग, तो आपका